My name is Vanita, and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है one of my Muslim friends से कि after death सारे Muslims जो है वो heaven में जाते हैं, and whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point. कि हर एक आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है, तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम आल्सो डज गुड डेड्स व्हाई दे विल गो टू हेल. बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे. मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम. ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे आमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे. बहन, जन्नत में जाने के लिए चार शरायत है. जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी, 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है. इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार शरायत है. ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह सुबहाना व ताला कसम खा रहे है वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है. सिर्फ वो लोग जो चार चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं. और ये चार चीज़ें ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिलहक, वतवासौ बिसब्र. जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%, पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है. अगर एक सब्जेक्ट में हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं. एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं. 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 क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल. उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, नेक अमाल जो आप कह रहे हैं, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिसब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना, 4 चीजें जरूरी है. एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते. अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे आमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले आमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है. आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है. आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले बाकी 3 हिस्से में, ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे. इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को,
हक के राह पे नहीं बुलाता है या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है मोहम्मद सुल्तान जाकिर अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासव बिलहक, वतवासव बिसब्र, चारों चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? यस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग द पॉइंट।